दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने शायद बहुत पहले सुना भी होगा कि साल में 12 माह के बजाय सरकार 13 माह का मानदेय देगी, ऐसी खबरें आप लोगों बहुत पहले सुनी होंगी। लेकिन अब हम आपको एक नया सरकारी आदेश इसी मुद्दे पर निकला हुआ कल का दिखा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, जूम करके मैंने दिखा दिया है, 5 नवंबर को ये लेटर निकला है। आइए आपको दिखाते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। अब साल में 1 माह का आप लोगों को अतिरिक्त मानदेय बोनस स्वरूप जो दिया जाएगा, जिसका ऐलान बहुत पहले हुआ था, जिसमें आंगनबाड़ी बहनें भी शामिल थी। कहा जा रहा था कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आशा, इन सब बहनों को जो है 1 माह का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। तो ऐसे में अब उसी मुद्दे पर फिर से एक आदेश निकला है, इसके बारे में जानते हैं इसमें क्या क्या छपके आया हुआ है। फिलहाल मुझे लग रहा था कि सरकार कहने के बाद जो है भूल गई है कि 13 माह का मानदेय देना, यानी 1 महीने का बोनस मानदेय देना सरकार भूल गई है। लेकिन फिलहाल इस आदेश के मुताबिक देखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या कितना सच्चाई निकल के आ रहा है। तो पूरा वीडियो ध्यान से सभी भाई बहन देख करके जाना, फटाफट सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए, और प्लीज लाइक करना आता है तो ही लाइक करिए। बहुत सी बहनें मुझे लगता है कि वो गलतीवश डिसलाइक कर देती हैं जिनको नहीं आता है, तो प्लीज लाइक करना सीख लीजिए। लाइक लोग ज्यादा करते हैं, लाइक की तरफ आप जाइए। यहां पर देख लीजिए, यहां पर प्रेषक में पड़ा हुआ है एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने एक लेटर निकाला है। सेवा में किस किस को निकाला है? समस्त विभागाध्यक्ष, यानी सभी विभाग तो इसमें आ ही गए, एवं प्रमुख जो है कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन, वित्त अधिकारी, कुल सचिव, समस्त राज्य वाले विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लखनऊ, साथ ही निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर, निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश और 8वां तल इंदिरा भवन लखनऊ, समस्त जिलाधिकारी यानी सभी जिलों के डीएम, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम लोगों को भी, अध्यक्ष जिला पंचायतें उत्तर प्रदेश इनको भी, साथ ही निदेशक जी को भी बोला गया, जितने भी निदेशक हैं पंचायती राज विभाग वाले हैं उत्तर प्रदेश और लखनऊ, ये पूरा सब सबको लेटर चला गया है। यानी हर एक जो है विभाग के कर्मचारी को शामिल किया गया है। आप मन में संकोच मत लाइए आंगनबाड़ी बहनों, आप शामिल हो। लेटर थोड़ा ऊपर ही तबके का है, इसलिए आपका इसमें शायद नाम साफ साफ यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन इंतजार कर लीजिए। और भी लेटर इस जारी होने के बावजूद, ये कल जारी होना 5 नवंबर को, इसके बाद अब फटाफट निदेशालय में अपने अपने तमाम विभागों में भी इसी मुद्दे पर लेटर जारी होने लग जाएंगे, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही पहले आपको दे रहे हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वित्त वेतन आयोग अनुभाग 1 विषय क्या पड़ा हुआ है, राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभाव जो है प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019 और 20 जो है इसके लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान, ये विषय आया है। तो आप लोगों का 1 महीने का 30 दिन का जो बोनस बोला गया था उसके बारे में है इसमें। और भी देख लीजिए समय समय पर इसमें कौन कौन से लेटर निकले हैं, 7/2019 को भी निकला था, और यहां पर और भी देख सकते हो, ऐसे 15 अक्टूबर 2019 को भी लेटर निकला था, ऐसे तमाम लेटर निकले हैं। 7/24/2007 का एक ज्ञापन संख्या भी इसमें पड़ा हुआ है। तो 21 अक्टूबर 2020 में एक लेटर निकला था। साथ ही अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में, 5 नवंबर वाले आदेश के बारे में। इसमें क्या है, इसमें लिखा है उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत ना आने वाले उपयुक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर 2019 द्वारा राज्य कर्मचारी और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किए गए थे। तो सब कुछ जारी हो गया था, मैंने पूर्व में आपको दिखाया भी था। अब देख लीजिए क्या है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपयुक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21 अक्टूबर 2020 द्वारा वर्ष 2019 और 20 के लिए 30 दिन की प्रलब्धित वगैरह के जो है बराबर वगैरह तदर्थ बोनस की स्वीकृति के जारी जो है आदेश वगैरह कर दिए गए हैं।
आगे लिखा है तीसरा पॉइंट कि उपर्युक्त क्रम संख्या एक पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के क्रम में श्री राज्यपाल इस विषय जो है इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज कर्मचारियों राजकीय विभागों में कार्यरत प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि में सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल 8,47,600 से लेकर 151,100 ऐसे सब लिखा हुआ है, पुनरीक्षित वगैरह वेतन मानों के ग्रेड वेतन 4800 पड़ा है, इतने तक हैं, उनको वर्ष 2019-2020 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की अपरिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं जो है प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जा रही है। तो देखो हमारों लोगों का जो पैसा है वो तो बहुत कम है, तो हम लोगों को तो वैसे भी मिलेगा, यहां पर एक लिमिट दे दी गई 47,600 से लेकर 1,00,000 इतना कुछ है, इनसे ऊपर वाले जो बहुत बड़े हाई क्लास के लोग हैं उनके लिए नहीं होगा, लेकिन हम सब इस दायरे में हैं, पूर्व में भी सब कुछ आप लोगों को पता है, एक माह का बोनस का भुगतान सरकार ने कहा था और यहां पर आप देख लीजिए प्रतिबंध क्या है, उनके अधीन सब कुछ होगा। तो ये नियम कायदे हैं, इन्हें हम अच्छे से पढ़कर सुना रहे हैं, आप लोग जरा फोकस करिएगा इसमें क्या लिख करके आया है। लिखा है तदर्थ बोनस पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 8,47,600 ऐसे ऐसे सब लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो पॉइंट मैं अभी पढ़ चुका हूं आपके लिए। तो आगे लिखा है तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 होगी, कितनी 7,000, तो 7,000 से कम उत्तर प्रदेश में मिलता है, आंगनबाड़ी बहने आप सब इस दायरे में आ जाओगी। तदर्थ बोनस के लिए एक मास में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2020 को आग्रह परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां अंक जो है आंगणित वगैरह की गई हैं ऐसे लिखा है, साथ ही दिनांक 31 मार्च 2020 को वास्तविक औसत परिलब्धियां ₹7,000 से ज्यादा होने की स्थिति में ₹7,000 की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च 2020 को 30 दिन की परिलब्धियां यानी 7,000 × 30 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे सब देख लीजिए, ऐसे सब कुछ 6,907 करके आया अर्थात ₹6,908 तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगा, तो ऐसे इसमें दे दिया गया है। तो फिलहाल के लिए देख लीजिए इस तरह से आप लोगों को पैसे आएंगे कुछ यहां पर 30 × 30.4 ऐसे करके कुछ उन्होंने बांट दिया है, मतलब इसको जो भी आपका 7,000 × 30 पहले किया है यानी 7,000 महीना आप पा रहे हो उसी हिसाब आपका बोनस किया उसके बाद फिर 30.4 से उसको भाग दे दिया 6,907 आ गया, इतना पैसा आपको मिलेगा। तो लगभग आप मान के चलो इसका 7,000 मान दे उसको 6-7,000 के करीब ही मिल जाएगा, 7,000 के करीब पैसा, तो आपका 5,500 जो है उत्तर प्रदेश में तो 5,500 के करीब आपका भी बन जाएगा। आगे देखिए उक्त जो है सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2020 को एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, क्योंकि देखो जिन्होंने मान लीजिए जिनकी नौकरी 19 या 20 में ही लगी है, ठीक है 19 या 20 में ही लगी है तो उन्होंने एक साल की सेवा पूर्ण नहीं की होगी, 31 मार्च 2020 से एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं की होगी तो उनको आने वाले समय में यह बोनस नहीं मिल पाएगा। बाकी आप सब पहले तो जाने कब से लगे उत्तर प्रदेश में, अभी नई भर्तियां आई नहीं है तो टेंशन लेने की कोई हम लोगों के लिए बात ही नहीं, हम सबको मिलेगा। आगे लिखा ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक वगैरह कार्रवाई अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो उनको तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक वगैरह कार्रवाई अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने पर स्थगित रहेगा। रीजन ये भी है यदि आपके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई वगैरह भी की गई है विभाग की तरफ से कुछ भी कभी या निदेशालय में या सॉरी कोर्ट में आपका कोई मैटर वगैरह चल रहा है तो ऐसे में आपको ये पैसा नहीं मिल पाएगा, ऐसे में स्थगित रहेगा, मिलेगा जब वो निपटारा आपका हो जाएगा उन मुद्दों का तब मिलेगा। साथ ही देखो और लिखा है जो दोष मुक्त होने की दशा में ही जो है अनुमन्य होगा यदि आप दोष मुक्त पाए जाते हो। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई अथवा आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें तदर्थ बोनस दे नहीं होगा, तो यह भी यहां पर याद रखना है 2019 और 20 में यदि आपने कोई अच्छा काम बहनों नहीं किया है आपके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है आप जो है दोषी पाई गई है तो ऐसे में उन बहनों को नहीं मिलने वाला। आगे देख लीजिए आगे क्या है किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के संबंध में एक बार निर्णय ले लिए जाने के पश्चात आगामी वर्ष
वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा भी इसमें दे दिया गया है। साथ ही बता दें, इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगरित धनराशि को निकटतम एक रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम को जो है शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जाएगा। साथ ही है चौथा पॉइंट, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्होंने 6 कार्य दिवस सप्ताह वाले कार्यालयों में दिनांक 31 मार्च 2020 को 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन यानी 5 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामलों में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन कार्यरत रहे हो, उनको भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसी पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2020 तक एक वर्ष निरंतर सेवा पूरी नहीं की है परंतु उक्त तिथि तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक जो है लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन 5 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा उन्हें भी अनुमन्य होगी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए तदर्थ जो है वेतन सॉरी बोनस की आंकलन हेतु मासिक परिलब्धियां अधिकतम 1200 रुपया प्रतिमाह वगैरह मानी जाती हैं। आगे आपको और बता दें, जैसे इसमें और आया है पांचवा पॉइंट भी आपको हम दिखाएंगे, इसे भी देख लेना। इसमें पहले ये वाला देखो, जो है तदर्थ बोनस की राशि 1200 वाले के हिसाब से जिनका है वो 1200 × 30 जो है आप सॉरी बटे 30.4 ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है तो 1184 इनका हो गया। वही कह रहे हैं जिसका जितना महीने में आता है उसी अकॉर्डिंग आपका ही एक महीने का ही आएगा 30 दिन का। आगे देखो, पूर्णांकित होगी परंतु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां रुपए 1200 प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक उपलब्धियों के आधार पर अंगणित कर दी जाएगी, ऐसा भी मानना है। तो हमारा लोगों का तो उस हिसाब से आएगा जो भी 5500 या 5000 से थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। आगे देखिए, सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है उनको तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75% भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा तथा शेष 25% का जो है नगद भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC वगैरह के रूप में दी जाएगी अथवा उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF वगैरह में जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2020 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2020 तक सेवानिवृत्ति होने वाले हो उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, जो बहनें आप लोग रिटायर भी हो चुकी हैं अभी जुलाई में, तो उन लोगों को शायद जो है भुगतान वगैरह हो जाएगा। कैसे होगा वो आप सब जानते हो। आगे देख लीजिए, बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या भी पड़ी हुई है 18 जनवरी 1984 के प्रस्तर में, सब कुछ ये लिखा भी हुआ है और नीचे है कि उक्त स्वीकृति तदर्थ बोनस को आय व्यय के उसी लेखा शीर्षक के नाम डाले जाएंगे जिस